अगर आपने हरियाणा रोडवेज में स्टूडेंट बस पास बनवाया है तो आपके किसी दोस्त ने आपसे जरूर आपका वो पास मांगा होगा कॉपी करवाने के लिए और आपसे कहा होगा भाई एक बार पास दे दे, मैं इसकी कॉपी करवा के तेरे को वापस लौटा दूंगा। जो लोग कॉपी करवा लेते थे उनकी खैर नहीं, क्योंकि हरियाणा रोडवेज एक नया RFID सिस्टम लेके आई है। हरियाणा सरकार ने पिछले साल एक टेंडर निकाला था जिसमें ई टिकटिंग, RFID बेस्ड बस पास और GPS 5 साल की सर्विस के लिए एक टेंडर निकाला था। बात करते हैं RFID टेक्नोलॉजी के बारे में है। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जो नए स्टूडेंट बस पास बनेंगे उनमें होगा RFID टैग। तो जैसे ही बस चेकर आपके पास आएगा आपको उसे बस पास दिखाना होगा और आपके बस पास में होगा RFID टैग, तो आपका बस पास इसे ट्रांसमिट करेगा इस मशीन के रीडर को और इस मशीन का रीडर डेटाबेस में चेक करेगा, कंप्यूटर डेटाबेस में चेक करेगा, आपके बस पास को रीड कर लेगा एक रीडर की मदद से और अपने कंप्यूटर डेटाबेस सिस्टम में उसको मैच करके देखेगा और अगर वो मैच कर जाएगा तो ठीक है और आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक स्क्रीन पे दिखा दी जाएगी और अगर वो मिसमैच होती है तो भाई मतलब जुर्माना। बहुत सारे बच्चे फ्रॉड कर देते हैं, एक दूसरे का बस पास लेके कॉपी करवा लेते हैं और अब नहीं करवा सकेंगे। क्यों? क्योंकि अब पकड़े जाएंगे। तो कैसा लगा आपको हरियाणा रोडवेज का ये नया बस पास सिस्टम? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।